हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 11th क्लास का टॉपिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम फर्स्ट यूनिट पहले से डिस्कस कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं। आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कंपाउंड्स, कैसे मॉलिक्यूल, कैसे एलिमेंट जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे अलग अलग, जैसे मास के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोपोर्शन के लिए, ऐसे अलग अलग लॉ हैं बहुत सारे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? एनी चेंज मीन्स किसी भी तरह का चेंज हो, एनी चेंज लाइक फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज अकर्ड, देयर इज मास इज इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है कि किसी भी तरह का, चाहे कोई फिजिकल चेंज है चाहे कोई केमिकल चेंज है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट का मास होगा वही क्या होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। तो इन दी सेंस, दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स हम मास को ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही दोबारा से उसको बना सकते हैं। तो मास जो है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो चाहे कोई केमिकल चेंज हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फिजिकल चेंज की बात करूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, आइस किस में चेंज होती है? वाटर में। वाटर किस में चेंज होता है? आइस में। तो यहां आइस का जितना मास है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 ग्राम, तो यहां वाटर का मास भी कितना होगा? 2 ग्राम होगा। या 2 ग्राम वाटर से हम आइस बनाते हैं, वो भी कितनी बनेगी? 2 ग्राम बनेगी। तो कहने का मतलब है यहां फिजिकल चेंज था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये एक फिजिकल चेंज है। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि किसी भी तरह का कोई मास चेंज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं किसी केमिकल चेंज की, किसकी बात करूं? केमिकल चेंज की। फॉर एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब यहां क्या था भाई, यहां क्या था कि हमने क्या किया, यहां हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट और क्या लिया, NaCl। तो बनता क्या है? AgCl और क्या बनता है? NaNO3। बैलेंसिंग करने की जरूरत है, हम बैलेंसिंग कर लेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, लेकिन यहां हमारा पढ़ने का मोटिव क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना मास हम यहां लेते हैं उतना ही मास क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट के अंदर होगा। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस O2 कार्बन सपोज करो यहां 2 ग्राम, ऑक्सीजन 2 ग्राम, प्रोडक्ट बनी CO2, प्रोडक्ट क्या बनी? CO2। तो 4 ग्राम क्या बनती है यहां पर? CO2 बनती है। तो हमने क्या देखा कि जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही किसका मास है? प्रोडक्ट का मास है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई फिजिकल चेंज पढ़ रहे हो चाहे कोई केमिकल चेंज पढ़ रहे हो, किसी भी तरह का अगर हम चेंज पढ़ते हैं, मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आगे हम देखिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ला सेकंड ला पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का। क्या है हमारा सेकंड ला केमिकल कॉम्बिनेशन का? ला ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है? ला ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि कंपाउंड्स बनते हैं लेकिन उनकी बनने की कोई अमाउंट क्या है, फिक्स है। हम क्या कह रहे हैं, ला ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट मींस फिक्स्ड। कोई प्रोपोर्शन क्या है, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए क्या है, फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर का एग्जांपल लेती हूं, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो गया, टोटल 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16। रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आई, 1:8 रेशियो। तो ये बात फिक्स है कि वाटर का अगर मॉलिक्यूल बनाना है तो हमेशा क्या फिक्स होगा कि एक हाइड्रोजन के साथ हमेशा कितना मास जुड़ेगा, ऑक्सीजन का 8। कितना मास जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। तो इस प्रकार ये बात क्या है, फिक्स। ये प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होते वक्त एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी क्या होती है, फिक्स प्रोपोर्शन होती है। क्या होती है, फिक्स प्रोपोर्शन होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, वाटर का। वाटर के अंदर क्या देखा कि क्या रेशियो रहती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 1:8 रेशियो। अगर इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NH3 का अगर हम देखें, नाइट्रोजन का मास भाई 14 और हाइड्रोजन का यहाँ कितना हो गया 3। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो रेशियो रहेगी मास की वो क्या रहेगी, 14:3। तो ये भी क्या है, फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसको क्या, ये कौन कहता है, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए उसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड होती है। वो किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब मुझे बताओ क्या हर जगह ये लागू होगा, नहीं होगा हर जगह लागू। क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं आइसोटोप ले लूं, सपोज करो मैं कार्बन का आइसोटोप ले लूं, CO2 बन रहा है, पहले कार्बन में कौन सा आइसोटोप है, 12, तो 12:2 क्या रेशियो आएगी, 32। लेकिन अगर मेरे पास कौन सा हो कार्बन का, 14 आइसोटोप हो तो क्या आएगा, 14:32 आएगी। तो ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है आइसोटोप के ऊपर क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। इसके बाद कई बार क्या देखा है, सेम प्रोपोर्शन से डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल C2H5OH, एक तो ये हमारी क्या बन गई, इथेनॉल, लेकिन यही फॉर्मूला हो CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, सेम है C डबल बॉन्ड O O H। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो सबके ऊपर लागू नहीं होता। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, एलिमेंट्स के जुड़ने के लिए जो भी कंपाउंड बनते हैं उनकी एक जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। दो हमने इसकी लिमिटेशन पढ़ी। जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था उसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल्सो सेम। तो वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। मीन्स मास को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम क्या नहीं कर सकते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही दोबारा से बना सकते हैं। तो मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो स्टूडेंट्स
ये हमने दो लॉ डिस्कस किए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, कुछ लॉ बच गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।